क्वेश्चन है ए डॉट बी बराबर जीरो हो तो थीटा का मान निकाले। ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या नन ऑफ दिस। चलिए इसके लिए दो फार्मूला होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जाने क्या होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा। सेम इसी तरह ए क्रॉस बी ये भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ये होगा ए बी साइन थीटा। डॉट के साथ कॉस आता है, क्रॉस के साथ साइन। अब क्वेश्चन देखिए, ए डॉट बी बराबर जीरो दिया है सोल्यूशन में, ए डॉट बी बराबर जीरो दिया है। ए डॉट बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखिए ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो। अब देखिए ए बी किधर कीजिए, तो ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर जीरो। अब देखिए कॉस थीटा से कंपेरिजन है, जीरो किसका मान होता है, कॉस 90 लिख सकते हैं जीरो को, कॉस 90 का मान जीरो। यहाँ से देखिए कंपेरिजन कीजिए, अब कॉस की जगह कॉस है, थीटा की जगह थीटा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर हो गया। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। सेम इसी तरह इसको बनाइए, ये 60 है, ठीक है। क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 4, वेक्टर बी बराबर 10 और थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, तब ए डॉट बी निकालना है ए क्रॉस बी। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। धरिए मान ए की जगह कितना है 4, बी की जगह 10 और कॉस थीटा की जगह 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। काटिए तो ये कितना हो गया, दो से दो बार में, ये हो गया 20 आंसर। उसी तरह देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या था, ए बी साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए की जगह 4 है, बी की जगह 10 है और कॉस कॉस थीटा जगह 60, कॉस नहीं साइन होगा ना, साइन 60, साइन 60 डिग्री। ये मान 4 है, 10 है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। काटिए थे इसको दो से दो बार में, एक गया 20√3 आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का रोज छोटा छोटा न्यूमेरिकल डालते रहेंगे जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। धन्यवाद।